संघर्ष द्वारा एक आम परिवार से निकले व्यक्ति जिन्होंने क्लास के सीआर काउंसलर से शुरुआत करके अपनी परिवार में घर में रहते हुए कड़ी मशक्कत करके वो बड़े इंसिडेंट्स नरेट करते हैं, चाहे दूध बेचते थे, कभी एमसी में वाटरमैन पाइप पानी का छोड़ना खोलने की काम करके आज प्रदेश के सर्वोच्च पे पहुंचे हैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उनके प्रधान सलाहकार के रूप में जिसमें आईटी सूचना प्रौद्योगिकी और इनोवेशन मेरे अंडर दिया गया है उसका पदभार मैं ग्रहण कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो नई सरकार है इससे हिमाचल की जनता की खास करके युवाओं की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदों से नई सरकार का चयन किया है। और हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और अभी जो हमारे बाकी मंत्रीगण और जो विधायक चुने जाएंगे इन सब की यही एक कोशिश रहेगी कि कैसे हम जो है हिमाचल को उन्नति के मार्ग पर और एक नई सोच लाकर कैसे हिमाचल को आगे बढ़ा सकते। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने दी है। पहले भी मैं माननीय वीरभद्र सिंह जी के आईटी सलाहकार के रूप में काम कर चुका हूँ और उस टेन्योर पे भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आईटी के क्षेत्र में प्रगति हुई, चाहे हमारे बिजली के बिल ऑनलाइन हुए, एमसी के वाटर बिल्स ऑनलाइन हुए, हमारे टैक्सेस ऑनलाइन हुए, हमारे विधानसभा ई विधान हुई, हमारे जो कॉलेजेस थे वो वाईफाई हुए। तो आज पहला दिन है, मैं कुछ राजनीतिक नहीं बोलना चाहता मगर मैं हैरान हूँ 5 साल के बाद सेक्रेटेरिएट में आके कि वहीं एक ब्रेक लग गई है। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, मैंने अपने समय में डायरेक्टरी जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, आजकल डायरेक्टरी से कोई नंबर डाल नहीं करता, एक ऐप बनाई थी, तो वो जो ऐप है उसमें आज भी मेरा नंबर आ रहा है आईटी एडवाइजर टू सीएम का, वो 2017 के बाद अपडेट ही नहीं हुई है। आपकी जो सरकारी इंप्लॉयज थे उनकी ई पेंशन, ई सैलरी, तो हमने बहुत ज़्यादा नवीनीकरण करने, ई डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स थे, तो कहीं ना कहीं वो सब रुक गए और किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो अबैंडन कर दिए गए, तो उन प्रोजेक्ट्स को लाया जाएगा। दूसरा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक माननीय मुख्यमंत्री ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिनकी मीटिंग्स हम करके आ रहे हैं, वो है इनोवेशन। इनोवेशन क्या चीज़ है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। आज हर चीज़ में आपको री इनोवेट करने की ज़रूरत है, मैं चाहे छोटी सी चीज़ है, लाइटें लगी हैं, हैलोजन से आप LED में ला रहे हैं वो इनोवेशन है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ला रहे हैं वो इनोवेशन है। तो ये हमारे एक 58 ईयर्स के मुख्यमंत्री जी हैं, बट मैं उनको युवा मुख्यमंत्री ही कहूँगा कि युवा सोच वाले हैं, इन्होंने नई दुनिया देखी है, इनके बच्चे भी अभी स्कूल से निकल के कॉलेज में जा रहे हैं, उनके साथ भी ये ट्रैवल करते हैं, दुनिया देखते हैं, देश देखते हैं, तो ये भली भांति परिचित है कि क्या बदलाव दुनिया में हो रहे हैं और हिमाचल कैसे उन बदलावों के से वंचित ना रह जाए और एक मॉडल स्टेट लेके आए। तो ये जो इनोवेशन है ये बहुत ज़्यादा आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको इस जो सरकार है, नई सरकार है, इसमें नवीनीकरण जरूर दिखेगा। ऐसा नॉर्मल काम तो दिखेगा ही दिखेगा मगर आप देखेंगे कि नई सोच इस सरकार में आ रही है। साहब अब मैं सरकार का हिस्सा हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वही हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। मैं उन्हें काफ़ी चीज़ें अवगत भी कराता रहता हूँ, आज मैक्सिमम चीज़ें उन्हें पता होती है। तो मैं अभी हमने बहुत मीटिंग्स करी हैं बट मैं अभी समझता नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें बजट में आने वाली हैं, तो एक एक्साइटमेंट बजट के लिए रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का 3-4 चीज़ों में बहुत बड़ा फोकस है और मैं आपको ये बता दूँ जो आने वाला अभी बजट है ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आप ये नहीं देखेंगे, इसमें आपको नई चीज़ें इतनी दिखेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है हम 10 चीज़ें ना करके एक चीज़ करें जिसे हम इम्प्लीमेंट करके ख़त्म कर पाएं। हम 10 चीज़ें अनाउंस कर दें, झंडे वहाँ लगा दें, पट्टिकाएँ लगा दें, वो उनकी सोच नहीं है। उनकी सोच यही है कि हम 10 चीज़ें ना पकड़ कर हर साल 2-2, 3-3 चीज़ें नवीनीकरण की हर प्रोजेक्ट हर डिपार्टमेंट में पकड़ें जिन्हें कम्प्लीट कर दिया जाए। मैं आपको बता दूँ जो हमारी महली में बिल्डिंग थी वहाँ पर IT पार्क चल रहा है, आप जा सकते हैं और वहाँ पे आज इतनी मारोमारी है कि वहाँ पे अगर आपको दफ्तर लेना हो तो दफ्तर नहीं मिलेगा। एक दूसरा हमारा IT पार्क जो था वो कांगड़ा में था और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि 5 साल वो सैंक्शन है, STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के पास जमीन हमने देनी थी, उस जमीन को ही ट्रांसफर करने में भी FRA FCA में 5 साल लग गए हैं क्योंकि वो भी मुझे कहा गया कि ठंडे बस्ते में पड़ गया था, किसी ने सुध नहीं ली। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है इसमें बैठे बैठे बिल्डिंग का काम शुरू हो जाए और बाय 2024 वो बिल्डिंग कंप्लीट होके खत्म हो जाए।